नागरिकत्व सुधारणा कायदा असेल किंवा NRC असेल, या दोन्ही कायद्यांना विरोध करत पुणे विद्यापीठामध्ये विद्यार्थ्यांनी आज मशाल मोर्चा काढला. या मोर्चामध्ये सुप्रिया सुळे असतील, सत्यजित तांबे असतील, यासारख्या नेत्यांनी सहभाग घेतला. पुणे विद्यापीठातली जी मुख्य इमारत आहे तिथनं ते बाबासाहेब आंबेडकरांचा जो पुतळा आहे तिथं हा मोर्चा काढण्यात आला होता. आणि या मोर्चानंतर तिथे एक छोटीशी सभा झाली, यात अनेकांनी आपली मतं व्यक्त केली. विशेष बाब म्हणजे या मोर्चामध्ये विद्यापीठातलेच विद्यार्थी असतील किंवा इतर बाहेरचे असे हजारो विद्यार्थी सहभागी झाले होते. नो टू कॅब किंवा हे कायदे मागे घ्या, हे कायदे रद्द करा, ही अशीच मागणी केली. विविध स्तरातले विद्यार्थी असतील, विविध संस्था असतील, या सगळ्यांनी यात भाग घेतला आणि मोठ्या प्रमाणावर विद्यार्थी या सगळ्या मोर्चात सहभागी झाले होते. त्यानंतर अनेक भाषणं झाली आणि या भाषणांमधनं हा कायदा रद्द करावा, हा कायदा संविधान विरोधी आहे, अशीच मतं मांडण्यात आली. आई केम टू नो अबाउट दिस मूवमेंट फ्रॉम द इंटरनेट बेसिकली. तो मुझे ये मूवमेंट इंटरनेट पर मुझे समझी. सो मेरा प्रॉब्लम विद इट इज़ ब्लेटेंटली डिस्क्रिमिनेटरी है ये जो बिल है. इट हैज़ बिकम एन एक्ट नाउ, ये एक्ट बन गया है और ये ब्लेटेंटली डिस्क्रिमिनेटरी है और ये पार्ट ऑफ अ पैटर्न है. पूरा मोदी गवर्नमेंट का जो है वो एजेंडा है अगेंस्ट मुस्लिम्स. हम देखते हैं सिक्स ईयर्स पिछले 6 साल में पूरा उनका ऑनलाइन IT सेल जो है वो उन्होंने इतना इतना पोलराइज़ किया है सब डिबेट. अब एवरी कन्वर्सेशन जो होता है वो अबाउट हिंदू मुस्लिम वगैरह रहता है. इधर इकोनॉमी मर रही है, इधर ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम्स है, हेल्थ केयर प्रॉब्लम्स है, स्कूल प्रॉब्लम्स है, इसको कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है. सब सिर्फ हिंदू वोट्स को लेने को जो है वो भड़का रहा है सबको. इसीलिए मुझे प्रॉब्लम है. और इस अमेंड एक्ट के साथ जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम है वो है कि अगर वो NRC के साथ कंबाइंड में इनैक्ट किया तो वो मीन करता है कि जो इंडियन मुस्लिम्स है जो पहले से जीता है इधर ही बॉर्न है उनको भी खुद की सिटीजनशिप प्रूव करनी पड़ेगी. ये क्या मामला है? ऐसे थोड़ी चलता है. तो अगर मैं मुस्लिम होता तो मुझे एंसेस्टर्स के डॉक्यूमेंट्स लेने पड़ते. ये कैसे फेयर है? ये क्या चालू है? क्या चालू है इस देश में? सो जब से ये BJP 2014 में आई है और 2019 में ज़्यादा मेजॉरिटी से आई है, उन्होंने एक के बाद एक गैर संवैधानिक बिल्स पास कर दिए हैं. जैसे ये स्क्रैपिंग ऑफ 370 भी उसमें आता है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट भी आता है, और जितने भी अभी हम देख रहे हैं राइट्स, ट्रांसजेंडर बिल जो है वो पास कर दिया. तो ये सारे हमारे राइट्स के खिलाफ है. मतलब एक संवैधानिक राइट जो हमें हमारे पास है उसके खिलाफ है. दूसरा चीज़ ये है कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट और NRC ये एक मुस्लिम विरोधी कायदा है. इससे हम ये संदेश दे रहे हैं हमारे हमारे मुल्क में जो मुस्लिम रहते हैं कि हम आपके रिलीजन का कोई परवाह नहीं करते और हमें आप जैसे लोग और नहीं चाहिए. तो उनको एक सेकेंडरी सिटीज़न का दर्जा हम दे चुके हैं. तो ये दो अहम मुद्दों के लिए मैं आज यहाँ पे आई हूँ. और मैं सबसे अपील करती हूँ कि हम इसको डिमांड करें कि ये एक्ट हम विड्रॉ करें. दूसरा चीज़, हम NRC को बॉयकॉट करें, क्योंकि ये सिर्फ मुस्लिम जो हमारे सिटीजन्स हैं उनको ही अफेक्ट नहीं करता है. लेकिन आप ये सोचिए, जो ट्रांस पर्सन है वो कैसे अपने आप का नागरिकत्व साबित करेगा जब उसके पास कम डॉक्यूमेंट्स होंगे? जो हमारे नोमैडिक ट्राइब्स हैं, जो लेबरर्स अन्य राज्यों से आते हैं, उनके पास कुछ ठीक से डॉक्यूमेंट नहीं होता, तो वो कैसे अपना प्रूव करेंगे? और ये हमें इसमें भी देखना चाहिए, जब हमारी इकोनॉमिक जब पूरी तरह से ख़राब चल रही है इस वक्त, ये NRC ला के क्या फ़ायदा है? I mean, सिर्फ ये प्रूव करना चाहते हैं कि हम इनको काम नहीं देंगे, गरीब नागरिक नहीं है, हम इनकी परवाह नहीं करेंगे, सिर्फ यही बताना चाहते हैं वो, और इसका कोई ये नहीं है, मतलब नहीं है. तो मैं अपील करती हूँ दोबारा से कि हम NRC को बॉयकॉट करें. थैंक यू. एक आरएसएस
इसके लीडर को अरेस्ट किया गया है क्योंकि उन्होंने स्कूल में आपकी जगह उन्होंने स्कूल में बाबरी मस्जिद का जो डिमोलिशन हुआ था उसके ऊपर नाटक दिखाया। बच्चों का दिमाग खराब कर बच्चों को सुरक्षित रखना है, बच्चे बचाना, बच्ची बचाना, प्यारा भारत इनसे बचाना, वाओ इनसे नोट ना लेना रे भाई, इनसे नोट ना लेना रे भाई, इनसे वोट ना देना रे भाई, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद।